भगवान गुरु जी, गुरु जी शनि धाम, एक शनि धाम ही ऐसा क्यों है जिसने 125 रुपए का ही प्रयोजन रखा, जबकि आज 10 रुपए की वैल्यू 1 रुपए की है, भिखारी भी 10 रुपए लेता है, तो शनि धाम में 125 रुपए की ही गणना क्यों की गई? इसलिए की गई ताकि आप जान पाओ कि माता पिता आपके लिए कितने चिंतित रहते थे जब वो 125 रुपए का उतारा 10-10 रुपए की उठाव नहीं रखते थे। और सबसे पहले तो जब कुछ था नहीं तब 125 रुपए का उतारा वो किया करते थे, और उस 125 रुपए से हमारे बहुत सारे दुख, बहुत सारे संकट, बहुत सारे कष्ट टल जाते थे। तो वो 125 रुपया जो है वो हमारी अमूल्य निधि है, वो भारतवर्ष की। तो 125 रुपए का मतलब ये है कि हमें अपने सनातन मार्ग पे लौटना पड़ेगा, चाहे कितना दौड़ो, एक दिन लौट के आना होगा। अपने खेतों की मिट्टी से चुन वही साग फिर खाना, परिधान बदल कर तुमने अपने नंगा नाश दिखाया है, एक दिन ऐसा आएगा कि वही परिधान बदलना पड़ेगा आपको, वही कुर्ता पजामा पहनना पड़ेगा, वैसा ही परिधान आपको फिर से भाने लगेगा। तो पहले दौड़ लो, छिक लो, तब जब दौड़ लोगे छिक लोगे तब वही लौट के आना पड़ता है, क्योंकि सब चीजों से आप छिक जाते हैं। और तो और फोन पे भी खेलते खेलते छिक जाओगे, एक टाइम में फोन को देखते देखते छिक जाते हैं, फिर फेंक देते हैं एक तरफ और फिर सो जाते हैं, जबकि उससे अनोखा इस संसार में दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं अभी तक।